तो भाई यहाँ पर ये जो मेरे पास एप्पल का जो फोन है ना, जो मैंने बाय किया है 2022 के अंदर 10,000 रुपए के अंदर, iPhone 7, और ये 2016 सितंबर में लॉन्च हुआ था और तब तकरीबन 50,000 रुपए के आसपास था। बट आज आपके भाई ने इस फोन को 10,000 रुपीज के अंदर बाय कर लिया। हमेशा ये बोलते ना, अगर आपको कोई भी एप्पल का डिवाइस बाय करना है तो 5 से 6 साल बाद बात करो, मतलब लाइक 50,000 का फोन 10,000 में मिल जाएगा। तो अगर आपका प्लान है iPhone 13 Pro या फिर 12 वगैरह खरीदेगा तो 4-5 साल और वेट करो। ये पागल हो गया। बोले साले हमको अब चाहिए, तू कब बता रहे है? तो भाई मजाक वाली बात साइड में, बट 6 साल पुराना ये फोन है। परचेस किया था ऑफलाइन मार्केट से, अगर आप लोग इसे लेना चाहते हो तो लाइक वो सेल बड़ी भी है और ऑनलाइन आपको रिफर्बिश वेबसाइट मिल जाती है जहां पर आप इसे 12-13 हजार रुपए के आसपास खरीद सकते हो। और मैं एक बात बोलू, 2022 के अंदर भी ये जो फोन है ना, आपको बिल्कुल फील नहीं करवाएगा कि आप कोई आउटडेटेड डिजाइन यूज कर रहे हो या कोई ओल्ड है, क्योंकि जो अपना 2022 SE आया था ना A15 बायोनिक चिप के साथ में ऑलमोस्ट 42-43,000 रुपीज पर, नहीं देखा रहेगा तो वीडियो बनाइए, चेकआउट कर लेना। तो भाई वही सेम तरीके का डिजाइन, साइड में भी हमें एल्युमिनियम बैक मिलती है और अलर्ट स्लाइडर भी यहाँ पर अवेलेबल है और एक सिंगल कैमरा, और आज भी वही सिंगल कैमरा मिलता है, मतलब वो iPhone SE के अंदर 2022 वाले के अंदर। और जो बिल्ड क्वालिटी हो गई इस फोन की वो भी मस्त निकल कर आती है, पीछे की तरफ ग्लास बैक है और इस तरफ हमें एल्युमिनियम फ्रेम भी मिल रहा है, नॉच वगैरह तो आप लोग भाई मतलब माथे का टिक्का मिलता है मस्त वाला, और नीचे जो है ना हमें ये मिलता है कैपेसिटिव टच, तो बेसिकली ये फिजिकल बटन नहीं है और फर्स्ट टाइम ही इसके अंदर इस तरीके का बोलते हैं ना कैपेसिटिव टच देखने मिला था, मतलब जो बटन नहीं होता था और पीछे की तरफ से ना हल्का सा हैप्टिक फीडबैक निकाल के देता था, मतलब हैप्टिक मतलब ऐसा फील करवाता है कि आपने लाइक कोई ऐसा टच किया है बटन को, पीछे की तरफ से ना एक हल्का सा धक्का या फिर वाइब्रेशन आती है। और बाकी यहाँ पर बेसिकली टच आईडी वाला पार्ट है जहां पर आप इसे अनलॉक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। कोई ज्यादा ऐसा हैवी बल्कि नहीं है, लाइट वेट फोन लगता है, कंफर्टेबल फोन लगता है, 100 फोन है तकरीबन, कुछ निकल कर आता है 139 ग्राम, और अगर कवर वगैरह ऐड करोगे तो 10-20 ग्राम और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये iPhone 7 हो गया और साइड में iPhone 13 है, तो आप इस पे नॉच वगैरह देख सकते हो और यस इसके सेंसर वगैरह मस्त में चलते हुए दिख रहे होंगे आपको। तो देखो यहाँ पर 4.7 इंचेस की IPS रेटिना LCD डिस्प्ले मिलती है और ये HD+ वाली डिस्प्ले, फुल HD नहीं है, HD+ वाली डिस्प्ले है, मतलब 720 से थोड़े से बिगर आपको ऐसा पिक्सल्स मिल जाएंगे इसके अंदर, और साथ में इस पे ना ओलिफोबिक कोटिंग भी मिल जाती है जो बेसिकली स्क्रीन पे ना ऐसा मस्त में घसने का काम है ना, वो थोड़ा ज्यादा स्मूथ निकाल के देता है। और अगर इस फोन की मैं स्क्रैचेस को लेकर बात करूं ना, तो भाई ये काफी ज्यादा यूज किया हुआ फोन है, मतलब बहुत ही कम है ना सो स्क्रैचेस वगैरह विजिबल होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा पेंट है ना जो थोड़ा सा हल्का सा उखड़ गया है और मट्टी वगैरह थोड़ी सी हल्की घुसी पड़ी है वैसे इसके अंदर। तो ये 720p का ही डिस्प्ले है बेसिकली, और मैंने इस पे जब कॉन्टेंट वगैरह प्ले करने का देखा ना, तो यूट्यूब वगैरह पर आप लोग 1080p एट 60fps का कॉन्टेंट रन कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है, हालांकि 720p का ही डिस्प्ले है बट रन कर सकते हो। कॉन्टेंट वॉच को लेकर, कलर्स को लेकर यार ऐसा नहीं लगता कि यार कोई मैं पुराने टाइम का ऐसा फोन वगैरह यूज कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ऐसा ही लग रहा है कि ये लेटेस्ट है और बेस्ट है। मतलब ये 720 होने के बाद में भी पिक्सल्स हो गए, कलर्स हो गए, बहुत ही अच्छी तरीके से निकल कर आते हैं, और कोई ही ऐसा साइड में से ऐसा कलर व्यूइंग एंगल्स वगैरह ना वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2016 का डिस्प्ले है और उस टाइम पे एप्पल ने इतनी अच्छी चीज बना के रखी थी। सो यार लिटरली यहाँ पर है ना, एप्पल अपने प्रोडक्ट जो बनाता है आप उसको ना लॉन्ग टाइम तक अगर आप रखे हो अपने पास तो उनको आराम से यूज कर सकते हो। एक बात मुझे बताओ क्या अच्छी लगी है, इसके जो ब्लैक कलर्स है ना वो लिटरली ऐसे डीप ब्लैक जैसे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि IPS डिस्प्ले में यूज कर रहा हूँ। डार्कनेस मिलनी चाहिए ना वो एकदम प्रॉपर और मस्त आती है यार। और इसी फोन के अंदर ना फर्स्ट टाइम मतलब एप्पल ने ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर इंट्रोड्यूस किया था, मतलब नीचे का स्पीकर और ऊपर का जो ईयरपीस है ना वहां से भी साउंड आएगा। का जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर वगैरह है ना वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि भाई वर्क कर रहा है। तो ये कॉन्टेंट प्ले किया है और फुल वॉल्यूम पर है बाय द वे। तो इसका जो स्टीरियो सेपरेशन है ना लाइक ऐसा है कि इधर से 80% वॉल्यूम आता है और इधर से नॉर्मल अपना 20% वाला आउटपुट मिलता है। सो इसका साउंड है ना ऐसा बहुत ज्यादा ब्लास्टर नहीं मिलता है, बट अगर मैं इसे कंपेयर करूँ ना एक ऐसा इंटरेस्टिंग है, और अगर आप इसे स्टीरियो ना मान के सिंगल ही मान लो उस हिसाब से लाइक फ्लैट वाला मिलता है, ऐसा कोई ज्यादा तगड़ा भी नहीं है, ऐसा बुरा भी नहीं है। तो अगर आप लोग 2 सिम कार्ड वाले खिलाड़ी हो ना तो वो भाई आप नहीं चला सकते हो, आप इसके अंदर मतलब एक ही सिम कार्ड लगा सकते हो, ड्यूअल सिम थोड़ा सा बाद में जाके चालू हुआ था, 3.5mm का गड्ढा भी यहाँ से गायब किया था इन्होंने ही। और एक इंटरेस्टिंग और ना क्या है, जो iPhone 7 ये जो लॉन्च हुआ था ना IP67 की रेटिंग भी इसी के
टाइम पे, मतलब फर्स्ट टाइम किसी आईफोन के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी, जहां पर आपका फोन लाइक 1.5 मीटर तक पानी के अंदर मतलब तैर वैर जाएगा, मतलब तैरेगा नहीं, मतलब सर्वाइव कर जाएगा, और डस्ट वगैरह भी। आज के टाइम में भी है ना, मतलब एप्पल जो उसके बड़े बड़े फोन होते हैं ना, उसमें भी लाइक ऐसे 2000-3000 इस तरीके की एमएच की बैटरी लगाते हैं, 5000 वगैरह अभी तक उनमें सेटअप आया नहीं इस तरीके का। तो इसके अंदर सोचो कितना होगा, इसके अंदर है ना 1960 एमएच की बैटरी है। जो पावर ब्रिक पहले मिलता था 5 वॉट का कुछ आता था जो यूजलेस होता था, तो अगर उसके थ्रू आप इस भाई साहब को चार्ज करोगे तो तकरीबन 2-2.5 घंटे आराम से आपका खा जाएगा, इवन इतनी कम बैटरी में भी। बाकी अगर इसका यूजेस पैटर्न अगर सिंपल समझाओ ना, तो ये फोन मेरे पास है ना तकरीबन 5-6 दिन हो चुके हैं यूज करता हुआ, और ऐसा प्राइमरी मैंने इसे 1 दिन ढंग से यूज करके देख रहा था। और है ना ये फोन मतलब हैवी तो छोड़ दो, नॉर्मल कैजुअल भी करते हो, लाइक फोन हो गया, कॉल्स वगैरह कर रहे हो, व्हाट्सएप चैट्स वगैरह कर रहे हो, यूट्यूब कंटेंट वगैरह देख लिया, इंस्टा ट्विटर वगैरह कर लिया, तो उस हिसाब से भी है ना ये फोन ज्यादा से ज्यादा ना आपका 4-4.5 घंटा तक मतलब खींच जाएगा, मैक्स टू मैक्स 5 घंटा भी खींच जाएगा, मतलब ऐसा कंटिन्यूस यूज करते हुए। तो समझ लो आपका ये फोन है ना 1 दिन के नीचे वाली बैटरी मिलेगा, अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तब लाइक सेकेंडरी फोन वगैरह रखना है ना, तब कॉल्स वगैरह करनी है, लाइट यूज करना है, तब तक के लिए ठीक है। प्राइमरी बनाने के लिए एक बार आपको सोचना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको जो बड़े बड़े बेजल्स मिलते हैं तो उससे भी आपका काम होता है या चल जाता है तो बात अलग है, वरना गेमिंग वगैरह करोगे तो बोलेगा मुकेश तू थोड़ा ज्यादा बोल गया, गेमिंग करोगे तो लाइक तब तो खत्म समझ लो, और गेमिंग जैसा कुछ इसमें ज्यादा करने जैसा है भी नहीं है। फोन जब गेमिंग करोगे ना तो भाई साहब ऐसा तांडव करते हैं, एकदम गरम गरम हो जाते हैं, और गरम होने का रीजन भी यही है क्योंकि इसकी जो फ्रेम्स है ना वो मेटल है, ग्लास है, तो उसकी वजह से जो हीट है ना थोड़ी सी बाहर ही ज्यादा निकल कर आ जाती है। मैंने जो डिवाइस खरीदा है ना इसके अंदर जो बैटरी हेल्थ परसेंटेज है ना वो 78% का है, सो 80-75% के बीच में जब आ जाता है ना फोन तो वो ऐसा नोटिफिकेशन निकाल के दे देता है, तो ऐसा कुछ ऐसा सर्विस वगैरह आपको देखने मिलेगा। तो अब ये क्या बोलेगा कि भाई अभी आप जाओ इस भाई साहब में नई बैटरी डालो, ठीक है, मतलब काफी पुराना हो गया, अभी आपको नई बैटरी इसके अंदर डालनी पड़ेगी। तो जो तकरीबन कॉस्ट आता है 3.5-4 हजार ऐसा, जो भी ऑफिशियल ओरिजिनल जो बैटरी है उसका कॉस्ट बता रहा हूँ, और मुझे नहीं पता था, मैंने एक फ्रेंड को पूछा था और उसने मुझे बताया कि ऐसा होता है। तो देखो इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर है ना वो उस टाइम का फ्लैगशिप कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एप्पल की A10 फ्यूजन चिप आती थी, तो वो जो भाई साहब है ना तकरीबन 16 नैनोमीटर पर आता था, और जो मेरे पास वेरियंट है ना ये 32 GB वाला वेरियंट है, इसका फिर हायर वेरियंट भी आता है 128 GB नॉल वगैरह का, और जो स्टोरेज भी है वो भी NVMe स्टोरेज आती है, और जो रैम है ना इसके अंदर भाई 2 GB का रैम है। और अभी एंड्रॉइड वाले नाराज मत हो जाना कि भाई 2 GB का रैम है, हैंग होता है, लैग हो जाएगा, ऐसा वैसा, ना 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 चुप, ना बिल्कुल नहीं बोलना, मैं भी खुद एक एंड्रॉइड यूजर हूँ, एंड्रॉइड डिवाइस टेस्ट करता हूँ, और इसका जो 2 GB रैम है ना वो आप किसी भी आज के लाइक 4 GB रैम के हिसाब से या फिर उससे भी ज्यादा अच्छा कह सकता हूँ, परफॉर्मेंस आपको इसका रैम मैनेजमेंट को लेकर मिल जाएगा। और देखो जब ये फोन लॉन्च हुआ था ना iOS 10 के साथ में लॉन्च किया था, और अभी इसके अंदर iOS 15.5 रन कर रहा है, मैंने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाल रखा है, कुछ लोगों के अच्छे से रन नहीं कर रहा होगा, मैंने कुछ वीडियो चेकआउट करी थी, बट मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है UI को, कभी कभी थोड़ा बहुत नाराज होता है हल्का फुल्का, पर ऑलमोस्ट 90% टाइम जो UI का एक्सपीरियंस है अच्छा निकल कर आता है। तो इसमें कैसा नीचे से ऊपर जाओगे तो अपना नोटिफिकेशन पैनल वगैरह आ जाता है, तो जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है ना ऑफ कोर्स आपको मिलता है, और यहां पर अपना गए तो ऐप लाइब्रेरी है वो भी मिल जा रही है, कोई पुराना आउटडेटेड काम नहीं है, और UI एनिमेशन भी अच्छी तरीके से हैंडल करता है, और 10,000 के हिसाब से तो बिल्कुल फील नहीं हुआ यार, वहां पर तो काफी तगड़ा रिस्पॉन्स निकाल के दे रहा है भाई साहब। भाई iOS 16 भी लॉन्च हो गया ना अभी कुछ दिन पहले ही, अपना WWDC 2022 जो हुआ था, वैसे तो लास्ट ये 15.5 वाला ही सिस्टम था, इसके बाद वो आएगा कि नहीं आएगा थोड़ा मुश्किल है। बाकी देखो ये जो प्रोसेसर है ना अगर इसका एंड्रॉइड बेंचमार्क चेक करोगे ना तो मेरे टेस्टिंग के टाइम 2,43,000 का स्कोर आया था, और मैंने दूसरे भी वीडियोस देखे जिसमें थोड़ा ज्यादा स्कोर मिलता है। तो आपका जो डेली टास्क होता है ना जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, और भी जो आप सोशल मीडिया पे करते हो लाइक स्नैपचैट वगैरह कर रहे हो, और इस पे जो स्नैपचैट के फिल्टर वगैरह ना वो भी बहुत अच्छी तरीके से रन हो जाते हैं, ऐसा कोई रोता होता नहीं, अटकता वटकता नहीं, अच्छे से चला देता है। तो इतना है कि आपका जो डेली लाइट और थोड़ा सा हल्का सा हैवी भी जो काम है ना आज के टाइम में भी आप इसके अंदर आराम से कर पाओगे। बाकी इसके ऊपर अपने जो गेमिंग वाले भाई साहब लोग आते हैं ना, मतलब अपनी तरह जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो इसके अंदर अभी जो गेमिंग में मतलब BGMI पर वो स्मूथ और अल्ट्रा बैलेंस अल्ट्रा और HD के अंदर हाई यानी कि 30 FPS मिलेगा, और बाकी पहले की दो सेटिंग्स है उन पर आपको 40 FPS का गेम प्ले करने मिलेगा। इतना है कि ये आराम से TDM की गेमिंग को मतलब जो 40 FPS की गेमिंग है ना आराम से चला देगा, 4-5 गेम तक ठीक है, उसके बाद थोड़े बहुत अलग अलग FPS के इश्यू होते हैं, और वो भी इसलिए होते हैं क्योंकि ये भाई साहब हीट होना चालू होता है इसके लिए। TDM पर जब आप इस पर गेमिंग करोगे ना तो आपको लाइक 40 FPS गेमिंग अच्छे से मिल जाएगी, उसके बाद में
लाइक 4, 5, 6 ऐसे गेम हो गए ना टीडीएम पर ही, तब जाके आपको हल्के हल्के एफपीएस ड्रॉप मिल जाएंगे। इवन 7-8 गेम पकड़ के चलो टीडीएम वाले, पर उसके बाद जब इरेंगल खेलना चालू करोगे 3-4 गेम हो गए ना, तब आप लोगों को एफपीएस में फ्लक्चुएशन देखने मिलेगी। एनिमीज अगर आसपास में है तो एफपीएस भी ऊपर नीचे होंगे, थोड़े नाराज भी होंगे आपको ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि इस फोन पर जो हीटिंग है ना थोड़ी ज्यादा हो जाती है यार। मतलब लाइक क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब आपको तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, जितनी निकाल के दे रहा ना उतनी बेस्ट आती है। और जब हम लोग बूट कैंप पर जाते हैं तो भाई इंस्टेंट आपको ड्रॉप देखने मिल जाएगा, लाइक एनिमीज आसपास में है और क्या ही खतरनाक एफपीएस ड्रॉप कर देता है। तो इतना है कि आज के हिसाब से अगर आपको इसके अंदर बीजीएमआई करना है तो भाई नॉर्मल 40 FPS कभी करने का मूड हो गया तो कर लिया, वरना एक तो ऊपर से इतनी छोटी डिस्प्ले है तो उसमें तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी अपना जो सबवे सफर, क्लैश रॉयल और भी जो दूसरे आप गेम खेलते हो वो तो भाई स्मूथ नहीं, बटरी स्मूथ चलेंगे। और COD का रिव्यू इतना सिंपल होता है यार कि अगर जब BGMI अच्छा चल जाता है ना उससे ज्यादा बेटर COD चल जाता है, इतना है। क्योंकि BGMI थोड़ा सा हैवी गेम है, जितना भी मैं रिव्यू कभी भी बनाता हूं ना तो आप लोग इस चीज को देख के समझ जाया करो कि BGMI रिव्यू जब बेस्ट होता है या फिर खराब होता है तो COD का रिव्यू भी आप को पता चल जाएगा। 2016 गया जो बहुत टाइम हो गया उस चीज को, तब इन्होंने इस भाई साहब पर एक आंख लगाई थी 12 मेगापिक्सल का है, और जो फ्रंट में जो सिंगल आंख लगाई ना वो भाई 7 मेगापिक्सल की है। 4K एट 30 FPS बैक कैमरा से निकाल सकते हो और फ्रंट कैमरा से आप लोग 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं नाराज नहीं हूं क्योंकि आज के टाइम पे 20,000 के फोन है ना फ्रंट में 30 FPS पे ही लॉक्ड है, और 4K तो बहुत दूर तक कभी-कभी वो अनलॉक नहीं करते, 1080p 60 तक ही लॉक छोड़ देते हैं। उस हिसाब से अगर देखूंगा तो 4K 30 मिलना काफी अच्छी बात है। और साथ में इस भाई साहब पर है ना OIS का भी सपोर्ट है बाय द वे, हो जाएगी आपको थोड़े से बोला जर्की फोटोज कम मिलेंगे। तो इस फोन के जो कैमरास का रिव्यू सिंपल इतना है, चाहे वो फोटो हो गया चाहे वीडियो हो गया, आप दोनों के ही अंदर जो डे लाइट के अंदर कुछ भी खींच लो, आपको जैसा भी फोटो पसंद है वीडियो पसंद है, तब आपको अच्छा रिस्पॉन्स लगेगा, आपको कोई बुरा नहीं लगेगा। मतलब जज कर सकते हो आप आराम से, 15,000 से 20,000 के जो भी फोन आते हैं ना एंड्रॉइड वाले उसको आराम से टक्कर दे सकता है इस हिसाब से, मतलब एक लेवल लगा लेना। बाकी जब लो आओगे ना या फिर इंडोर भी आ जाओगे, हालांकि मैं इन लाइट्स की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल अपनी जो घर में ट्यूबलाइट्स वगैरह होती है उनकी बात अगर करें तो वहां पर भी आपको थोड़ी सी डिटेल में मिसिंग देखने मिलेगा। और फ्रंट सेल्फी शूटर जो है साथ का वो भी उसमें भी यही सेम चीज है, डे लाइट की फोटोज में आपको अच्छा एक बार रिस्पॉन्स मिल जाएगा और कंसिडर कर सकते हो। हालांकि जो पोर्ट्रेट मोड है ना वो आपको फ्रंट में या बैक में कहीं नहीं दिया गया है, दोनों में ही मिसिंग है। अभी सिंपल बात क्या है कि क्या 2022 के अंदर कंसीडर करूं, मतलब ले लूं क्या मार्केट में जाके, तो सबसे पहले आपको तो यही फाइनल करना है कि आपका बजट कितना है, और आपको iOS एक्सपीरियंस करना है वो भी 10,000 रुपीज के अंदर। तो मैं तो लोकल शॉप से लेकर आया, बाकी कैशिफाई हो गया, टू गुड हो गया और सेलबडी हो गया, वहां पर आपको ये डिवाइस 12,000-13,000-14,000 में मिलेगा और साथ में उनकी सर्विस भी मिल जाएगी, क्योंकि अगर ये फोन कुछ दिन के अंदर खत्म हो गया नाराज हो तो आपको थोड़ा सा बैकअप रहेगा। और अगर आपने लोकल शॉप से खरीदा, अगर पहचान का नहीं है तो शायद आपको ऐसा हो जाएगा कि कुछ दिन के बाद में इसमें कुछ प्रॉब्लम आना चालू हुई तो आपको थोड़ा सा जो पैसा है वो ज्यादा डालना पड़ जाएगा, लाइक छोटी छोटी चीजों के लिए आप 2,000-3,000 रुपए तक का भी खर्चा कर सकते हो। तो पहले तो शॉप ढूंढ लो कहां पर बेस्ट है, आपको सही लग रहा है कि नहीं तो और भरोसा है तो ले लेना, वरना सेल बड़ी वगैरह है, बट 12,000-14,000 में मिलेगा। और इतना है कि 12,000-14,000 में आपको दूसरे और बेटर अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक एंड्रॉइड के ही सेकंड हैंड फोन ले लो, जैसे OnePlus 6 हो गया और OnePlus 7 भी इनकेस मिलता है आसपास में इसी प्राइस में, तो आप भाई उनको कंसिडर कर सकते हो। बट अगर ऐसा पक्का कर लिया है कि मुझे आईफोन ही लेना है, कटा हुआ सेब मुझे चाहिए, लाइट यूजर हो और ऐसा आईफोन वाला जो टीका दिखाना है, तब तक के लिए ठीक है। पर बहुत ऐसे चांसेस है कि आपको अच्छा डिवाइस अगर नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सनली मैं अगर हूंगा ना शायद नहीं लेने जाऊंगा, मतलब ये जो बात है ना लेना नहीं लेना बहुत सब्जेक्टिव हो जाती है, आपको डिवाइस की कंडीशन कैसी मिल रही है, आप कितने श्योर हो, बेसिकली कैसा है कि हर एक जो यूजर है ना वो सोचता अलग है, मतलब मैं अलग सोच रहा हूँ आप अलग सोच रहे हो, तो आपके हिसाब से 10,000 में बेस्ट डील हो सकती है अगर आप फर्स्ट अपना आईफोन लेना चाहते हो तो यार मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार मुझे ना एक बात आप लोग बताना खुद ही, आप वो कस्टमर हो तो आप वो लेना चाहते हो, तो अपना जो आंसर रहेगा ना वो यार कॉमेंट में छोड़ना, मुझे भी देखना है कि लाइक कौन बंदा किस तरीके से सोच रहा है इस डिवाइस के लिए। और इसके प्रीवियस वाले जो है 6S वगैरह वो तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहूंगा, ये एक बार उस हिसाब से बेस्ट है क्योंकि जो 6S वगैरह ना उनमें UPI पेमेंट का भी कुछ थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, तो ये उसमें आगे आ जाता है और थोड़ी बहुत फोटोज भी आपको उससे इसमें इम्प्रूव तो ऑफकोर्स देखने मिलेगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आया अच्छा लगा है तो भाई वही एज इट इज अपना एल्गोरिदम में छेड़छाड़ करनी है हमको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कुछ फीडबैक होगा कुछ भी आपको लग रहा होगा तो कमेंट कर लेना, हम लोग इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता है, मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।